दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे कि जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये मेकिंग का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हज़ार में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज कपूर मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, कपूर ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने पूजा घर में रखता ही है। इसके अलावा अगर आप मंदिर में जाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा प्रमाण में उपयोग होता है। दोस्तों, कपूर हो गया या अगरबत्ती हो गए, ये बहुत ज्यादा ब्रांड देकर खरीदने वाली चीज नहीं है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रांडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कपूर बेकिंग बिजनेस के लिए हमें कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, इसमें कॉस्टिंग कितना लगेगा, इसमें प्रॉफिट कितना होगा और फाइनली इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे पहले तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अगर बात करें इसमें एरिया की, तो इस बिजनेस को आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मशीन होती है वो सिंगल फेज मशीन होती है और इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एरिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके मशीन के बारे में आपको बता दें, इसमें जो मशीनरी लगती है, कपूर मेकिंग मशीन जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। और जिस जिस क्वालिटी के आप जितने हायर क्वालिटी के मशीन लोगे, उसकी कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इस मशीन के अलावा आपको रॉ मटेरियल में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, वो होगी कंफर्ट पाउडर की। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस बिजनेस में कोई भी रॉ मटेरियल या मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। जो कंफर्ट पाउडर है वो भी आपको 300 रुपये किलो से इंडियामार्ट.com पर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको मशीन खरीदनी है तो दोस्तों, उसमें भी आपको इंडियामार्ट.com पर जाना होगा और आपको आपका एरिया के हिसाब से यहाँ पर डीलर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें अवेलेबल होते हैं, आप उनसे डील करके ये मशीन को इजीली खरीद सकते हैं। दोस्तों, इन दो चीज़ों के साथ ही आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके पैकेजिंग की और इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों, इसको आपको एक डब्बी में पैक करना होगा, या तो फिर आप इसे जो पाउचेस होते हैं उस फ्री पैकिंग में बेच सकते हैं। सबसे मेन बात इसमें होगा, आपका पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपका सेल भी उतना अच्छा होगा। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन आपकी पैकेजिंग थोड़ी बहुत आप अच्छी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके प्रॉफिट की बात देखी जाए, तो दोस्तों, आज एक पाउच की कीमत या एक डब्बी की कीमत आप 10 से 15 रुपए में बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 60-70% तक का होता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों इसमें काफी अच्छा है। तो दोस्तों, अगर रही बात मार्केटिंग की, तो इसकी मार्केटिंग के लिए जो आपके टारगेट कस्टमर है वो किराना शॉप्स है, इसके अलावा जहाँ पूजा सामग्री मिलती है वो शॉप्स है, इसके अलावा जहाँ अगरबत्ती मिलती है वो शॉप्स है, और इसके अलावा आप इसे होलसेल में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह से इसकी जो मार्केटिंग है, आपको एक दो मार्केटिंग के लोग भी रखने होंगे, वो सिटी के अंदर या सिटी के बाहर गांव में भी जाकर के इस बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपके शहर में कोई बड़ा मंदिर है तो वहां पर भी आप डायरेक्ट इसका एक रिटेल काउंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बिजनेस के बारे में ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। हम इसी तरह के बिजनेस आइडियाज हमेशा हर वीडियो में लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले इस हमारे हर बिजनेस के अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम।